Hello friends, this is Vinay Bihari and in this video I will discuss previous 10 years question in alternating current. So ये class 12th का chapter 7 है NCRT का. So यहाँ पे जो question दिए हुए हैं वो पहले पूछे जा चुके हैं. So देखिए यहाँ पे जो first question है वो दिया हुआ है, in AC circuit the current and voltage are given by I equal to 5 cos omega t and V equal to 200 sin omega t respectively. The power loss in the circuit is, यहाँ पे power loss बताना है जहाँ पे current दिया हुआ है और voltage दिया हुआ है, तो इसका power loss निकालेंगे यहाँ से. So जो formula होता है वो लगाएंगे यहाँ पे, current दिया हुआ है I और voltage भी इसका दिया हुआ है, तो power loss निकालने के लिए जो हम formula use करते हैं वो क्या होता है, V RMS equal to I RMS का formula use करते हैं, जो कि और यहाँ पे होता है cos अल्फा, वी आर एम एस डॉट आई आर एम एस इक्वल टू कॉस अल्फा. सो यहाँ पे जो दिया हुआ है साइन ओमेगा टी, जो कॉस पाई बाई टू का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, ज़ीरो. सो वी आर एम एस और आई आर एम एस कीजिएगा अगर, तो यहाँ पे जो वोल्टेज दिया हुआ है और जो यहाँ पे कॉस का वैल्यू आएगा उससे क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा जी. और जो कॉस अल्फा था, जो कॉस अल्फा है वो क्या है, अल्फ़ा जो है वो है कि पावर फैक्टर के लिए हम लोग यूज करते हैं. सो पावर फैक्टर के लिए यूज करते हैं वो क्या होता है, जो वो होता है फेज डिफरेंस जो होता है करंट और जो वोल्टेज होता है उसके बीच में जो डिफरेंस होता है उसके लिए हम अल्फ़ा का यूज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इन द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट आई इक्वल टू 0.6 साइन 100 पाई टी देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालना है. फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम I जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.6 साइन 100 पाई टी, और जो इसका जो फॉर्मूला होता है ये मतलब I जो 0.6 दिया ये क्या है, I नॉट है, और ये क्या है, ओमेगा. सो ओमेगा जो है वो है 100, तो अगर हम इसके फॉर्मूला पे बैठाते हैं वो क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई, फ्रीक्वेंसी के लिए एफ लिखते हैं. सो अगर हम इसको 2 पाई फ्रीक्वेंसी कीजिएगा यहाँ से, तो 100 पाई आ गया, पाई से पाई कट जाएगा तो क्या हो गया, 2 एफ इक्वल टू 100, इसलिए एफ इक्वल टू क्या होगा, 15 बाई 100 बाई 2 होगा, वो इसका आंसर क्या आएगा, 15 हर्ट्ज. सो इसका जो आंसर होगा वो होगा, देखिए यहाँ पे आंसर 15 दिया हुआ है दो जगह, यहाँ पे पाई में दिया हुआ है, यहाँ पे पाई में दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ नहीं दिया, तो जो उसका फ्रीक्वेंसी क्या आता है, हर्ट्ज में आता है, इसलिए इसका आंसर बी होगा, बी इज़ द राइट आंसर. सो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द यूनिट ऑफ रिएक्टेंस इज, द यूनिट क्या होता है रिएक्टेंस का, वो होता है ओम, ए इज़ द राइट आंसर. सो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ. द रिलेशन बिटवीन पीक करेंट आई नॉट एंड रूट मीन स्क्वायर करेंट आई आर एम एस निकालना है, तो आई नॉट का जो अब फॉर्मूला तो वो क्या होता है, अंडर रूट आई आर एम एस, जो आई नॉट जो है इसमें वो क्या है, वो है आपको पीक करेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं, आई नॉट को जो यूज करते हैं वो क्या करते हैं हम लोग यूज, पीक करेंट के लिए यूज करते हैं. और जो यहाँ पर दिया हुआ है अंडर रूट टू, जो आई आर एम एस का होता है वो क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर के लिए हम लोग वो चीज़ यूज करते हैं. सो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए इज़ द राइट आंसर. सो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव में. द पावर फैक्टर ऑफ एल आर सर्किट के लिए बताना है, जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है, वो होता है आर डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर. सो इसको एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो L दिया हुआ है, यहाँ पे जो L दिया हुआ उसको हम बोलते हैं इंडक्टेंस, वो क्या होता है, इंडक्टेंस के लिए. यहाँ पे R है वो होता है रेसिस्टेंस के लिए हम यूज करते हैं. और इसका जो यहाँ पे जो कहीं देखिए यहाँ पे लिखा रहता है XL करके लिखा रहता है, वो क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस. तो इसको आप जो फॉर्मूला पे इसका डेरिवेशन अगर तोड़िएगा तो क्या होता है, cos phi इक्वल टू R बाई Z, रिएक्टेंस बाय इम्पीडेंस कीजिएगा तो इम्पीडेंस का फॉर्मूला आता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल कीजिएगा, तो उससे आपको इसका
फॉर्मूला आ जाएगा, वो एक डेरिवेशन है इसका। तो आप याद रखिए LR सर्किट के लिए जो हम यूज करते हैं वो करते हैं R डिवाइडेड बाई अंडर रूट R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6, हॉट वायर आमीटर मेजर्ड। हॉट वायर में जो आमीटर होता है उसका हम मेजर्ड किस लिए करते हैं, उसका जो मेजर्ड होता है वो होता है RMS निकालने के लिए। AC सर्किट में RMS निकालने के लिए हम उसका मेजर्ड करते हैं। जो उसका वर्किंग होता है वो क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट जो आप यूज़ करते हैं उसमें, उसको हीटिंग करंट के लिए हम यूज़ करते हैं। उसमें जो क्या होता है, रेसिस्टेंस का वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसलिए RMS करंट निकालने के लिए हम उसका यूज करते हैं। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। सेवन, इफ़ N1 एंड N2 आर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्वाइल ऑफ ए स्टेप अप अप ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें होता यह है कि जो लो वोल्टेज से क्या होता है हाई वोल्टेज की तरफ जाता है। सो अगर हम ट्रांसफार्मर में आप यूज कीजिएगा स्टेप अप प्रोसेस में क्या होता है, लो वोल्टेज से क्या होता है करेंट हाई वोल्टेज में जाता है। अगर यहीं पे स्टेप डाउन प्रोसेस रहता तो आप क्या करते हैं, वहाँ पे क्या होता, वहाँ पे जो बड़ा होता वो क्या होता, वहाँ पे जो इसका आंसर होता वो क्या होता है, ए होता है। अगर आप स्टेप डाउन करते तो उसमें ए आंसर होता, अगर यहाँ पे स्टेप अप लिखा हुआ है तो उसका आंसर बी होगा। स्टेप अप में क्या होता है, जो करंट फ्लो होता है वो क्या होता है, लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज। और यही स्टेप डाउन में प्रोसेस क्या होता है, हाई वोल्टेज से लेकर लो वोल्टेज की तरफ होता है। सो ये चीज़ याद रखिए, इसी से आपको ट्रांसफार्मर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th का। सो इसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग सारा कुछ देख लीजिए, अगर कोई दिक्कत है तो बोलिए, इसके रिगार्डिंग हम वीडियो इस पर बना देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है इम्पीडेंस ऑफ LR सर्किट इज, यहाँ पे इम्पीडेंस बताना है। LR सर्किट के लिए जो हम यूज करते हैं फॉर्मूला है वो क्या होता है, वो होता है R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, उसका अंडर रूट स्क्वायर कीजिएगा, डी होता है। उसमें देखिए उसको जो कॉम्बिनेशन उसके अंदर होता है वो क्या होता है, रिएक्टेंस और रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन एसी सर्किट में हम यूज करते हैं, उसके लिए इम्पीडेंस जो होता है उसका यूज करते हैं। वो कॉम्बिनेशन ही होता है रिएक्टेंस और रेसिस्टेंस का। सो देखिए यहाँ पे हम बताते हैं, मान के चलिए यहाँ से हम ये एक रिएक्टेंस ले लिए, यहाँ पे XC, यहाँ पे जो है वो क्या है, पावर फैक्टर के लिए हम यूज करते हैं, ये Z दिया हुआ है। डायग्राम से आप समझ सकते हैं अच्छे से, XL माइनस XC कर लीजिएगा, ये टोटल क्या है XL दिया हुआ है। तो यहाँ पे इम्पीडेंस बताना है, उसके लिए क्या कीजिएगा, Z इक्वल टू क्या होता है R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर कीजिएगा। तो उससे जो आपको आएगा वो आएगा 10 के फॉर्म में आएगा, वो चीज़ जो आएगा वो आएगा 10 फॉर्म में, 10 phi इक्वल टू क्या आएगा XL माइनस XC बाय R। तो इसको हमको cos में चेंज करना है क्योंकि पावर फैक्टर होता है वो cos में करेंगे, तो cos phi बराबर क्या होता है R बाय Z। यहाँ पे ये क्या होगा, VR के लिए यूज करते हैं और E करते हैं ERMS, जहाँ पे जो ये phi दिया हुआ है वो क्या होता है, वो पावर फैक्टर के लिए हम लोग यूज करते हैं। सो इसका जो पूरा प्रोसेस है उसमें आप समझ सकते हैं, यहाँ पे डायग्राम से समझ सकते हैं ऐसे ऐसे होता है। अगर आपने अभी तक समझा नहीं है तो फिर वीडियो को पीछे कीजिए, फिर वहाँ से आप देख सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। द फाई इज फेज डिफरेंस बिटवीन एसी करंट एंड ईएमएफ, देन द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर। पावर फैक्टर के लिए हम लोग क्या चीज़ का यूज करते हैं, अभी बताए थे कॉस फाई का यूज करते हैं, क्योंकि जो वोल्टेज टू करेंट का जो वेव जो उसमें ट्रांसफॉर्म होते रहता है उसके लिए हम यूज करते हैं cos phi का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10, द रेशियो ऑफ पीक वैल्यू एंड RMS वैल्यू ऑफ AC सर्किट। रेशियो बताना है पीक वैल्यू और RMS सर्किट का, तो वो क्या होता है, IRMS हम निकालते हैं तो वो क्या होता है पीक EMF बाय अंडर रूट 2। सो IRMS, यहाँ पे जो I नॉट है वो क्या है पीक करंट है दिया हुआ, और जो IRMS है वो क्या है RMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। वो क्या होता है, वो क्या होता है अंडर 1 बाय अंडर रूट 2 टाइम्स क्या होता है उससे, मतलब उससे डिवाइड 1 बाय अंडर रूट 2 टाइम्स क्या होता है IRMS से छोटा होता है वो चीज़। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। पीक वोल्टेज ऑफ एन AC इज 440 वोल्टेज, इट्स वर्चुअल वोल्टेज बताना है। उसका जो वोल्टेज निकलेगा वो क्या होगा, उसका जो पीक वैल्यू दिया है
एसी सर्किट का वो 440 वोल्ट दिया है। तो यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे वी आर एम एस निकालना है। वो भी क्या होता है, यहाँ पे अगर जैसे हम इससे पहले वाले में बताए थे आई आर एम एस निकालने के लिए हम यूज़ किए आई नॉट बाई अंडर रूट टू, यहाँ पे वी आर एम एस निकालेंगे वहाँ पे भी वही फार्मूला यूज़ करेंगे वी आर एम एस बाई वी नॉट बाई अंडर रूट टू। तो फिर देखिए यहाँ पे हम इसको करके बताते हैं, वी आर एम एस इक्वल टू वी नॉट बाय अंडर रूट टू। यहाँ पे वी नॉट का जो वैल्यू है वो 440 दिया हुआ है, 440 बाय अंडर रूट टू। इसको आप देखिए ये चीज़ नहीं कट रहा है, और यहाँ पे 440 बाय अंडर रूट टू यहाँ पे कोई ऑप्शन में भी देखिए नहीं दिया हुआ। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करेंगे फिर अंडर रूट टू बाय अंडर रूट टू कीजिएगा तो वो ये नीचे से ये हो गया, इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो 2 के वैल्यू के बराबर आ जाएगा, और 2 से अगर काटिएगा इसको तो वो क्या आएगा 220। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 220 रूट टू वोल्टेज। सो इसका जो आंसर है वो सी इज़ द राइट आंसर। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एन एसी सोर्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज कनेक्टेड इन ए सीरीज एलसीआर सर्किट, द पीक वैल्यू ऑफ करंट विल बी मैक्सिमम। यहाँ पे ओमेगा सर्किट जो यहाँ पे जो दिया हुआ है ओमेगा यूज किया गया, वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम ओमेगा का यूज करते हैं। देखिए ओमेगा यहाँ पे यूज करते हैं हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, जो एक्स एल और जो एक्स सी होता है वो क्या होता है मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे बताएंगे एक्स एल इक्वल टू एक्स सी कीजिएगा तो वो क्या आएगा, अगर ओमेगा ये क्या होता है ये जनरल फार्मूला होता है, अगर हमको इसी को एंगुलर में ले जाना है वो क्या होता है ओमेगा एल इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी के बराबर होता है। तो ओमेगा स्क्वायर कीजिएगा वो क्या आएगा 1 बाय एल सी आएगा, जो उसका जो इम्पीडेंस जो निकालेंगे उससे हम बता सकते हैं जो एक्स एल का जो वैल्यू है वो क्या होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए हम यूज करते हैं। सो 1 बाय एल सी आया तो क्या कीजिएगा, अगर आप ओमेगा स्क्वायर का वो वैल्यू आएगा तो ओमेगा कीजिएगा तो क्या आएगा अंडर रूट 1 बाय अंडर रूट 1 बाय एल सी, तो वो क्या आएगा 1 बाय अंडर रूट एल सी। सो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी इज़ द राइट आंसर। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है इफ़ द एल बी इज इंडक्टेंस आर इज रिएक्टेंस एंड सी इज ए कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर देन द डायमेंशन फार्मूला ऑफ एल बाय आर एंड आर सी इस कनेक्टर। जहाँ पे जो L दिया हुआ है वो इंडक्टेंस है, R है रेसिस्टेंस के लिए यूज करते हैं, और C दिया हुआ है वो कैपेसिटेंस के लिए यूज करते हैं। सो इसका डायमेंशन बताना है तो इसका जो डायमेंशन दिया हुआ है वो होगा D होगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे PDF डाल देंगे, PDF में आप उस चीज़ को डाउनलोड करके वहाँ से देख सकते हैं। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ए सी वोल्टेज अक्रॉस ए रेसिस्टेंस कैन बी मेजर्ड यूजिंग ए, वो जो मेजर्ड हम करते हैं वो किस चीज़ के लिए यूज करते हैं, वो करते हैं हॉट वायर वोल्ट मीटर के लिए हम उस चीज़ का यूज करते हैं। सो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा आंसर है, फाइ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट के स्क्वायर के बराबर होता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ गया, और ये क्वेश्चन दो बार पूछ चुका है, एक बार पूछा है 1999 में और एक बार पूछा है 2014 में। सो देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे दिया है व्हाट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, वो क्या होता है द अपोजिट नेचर ऑफ इंडक्टर ऑफ फ्लो अल्टरनेटिंग करेंट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। जब ही रिएक्टेंस का बात हो तो आप समझ जाइए जो फ्लो हो रहा है उसका करंट, उसको रोकने का जो कोशिश किया जा रहा है उसी के लिए हम यूज करते हैं रिएक्टेंस वगैरह का। तो वो दिया हुआ एक्स एल इक्वल टू ओमेगा एल, जहाँ पे जो एक्स एल है वो क्या है, वो है आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस, और ओमेगा एल है वो क्या है, वो है एंगुलर रिएक्टेंस। तो एंगुलर रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस वो दोनों इक्वल है। यहाँ पे ओमेगा है वो क्या है एवरेज फ्रिक्वेंसी के लिए बताएगा, और एल दिया हुआ है वो सेल्फ रिएक्टेंस दिया हुआ। सो आप ऐसे ही छोटा सा लिख दीजिएगा, और इसके नीचे जो फॉर्मूला है इसका वो लिख सकते हैं। सो आपको यहाँ पे फुल मार्क मिल जाएगा। अब यहाँ पे ट्रांसफार्मर क्या होता है नेक्स्ट क्वेश्चन में 16 में, व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर, व्हाट इज़ द ट्रांसफार्मर रेशियो। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर का यूज़ हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं इंक्रीज़ करने के लिए वोल्टेज को, डिक्रीज़ करने के लिए वोल्टेज को, और इसका जो प्रोसेस होता है वो दो प्रोसेस में होता है, वो होता है स्टेप अप प्रोसेस, स्टेप डाउन प्रोसेस। इससे पहले वाले जो है उसमें हम बताए थे N1 या प्राइमरी सेकेंडरी में जो डिफरेंस आता है उसके कारण स्टेप अप प्रोसेस होता है, स्टेप डाउन प्रोसेस होता है, जो जिसमें
N1 N2 का वैल्यू से हम बताए हुए थे इससे पहले वाले क्वेश्चन में. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. सो इसका जो होता है, देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन PDF डाल देंगे नीचे, वहाँ से आप देख सकते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है, वाई इज़ ए कोड ऑफ ट्रांसफार्मर लिमिटेड. वहाँ पे जो ट्रांसफार्मर का जो कोड होता है वो लिमिटेड इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे जो एडी करंट का जो फ्लो होता है उसके कारण वहाँ पे हीट का प्रोडक्शन होता है. तो हीट के प्रोडक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम लोग लिमिटेड कोड का यूज करते हैं. 18 दिया हुआ है, नेम द एनर्जी लॉसेज इन ट्रांसफार्मर. एनर्जी लॉसेज किस किस चीज़ों में होता है ट्रांसफार्मर में? तो फ्लक्स लीकेज, रेसिस्टेंस टू वाइंडिंग, एडी करेंट, हेसिस, उसके अंदर जो कुछ कुछ साउंड निकलते रहता है उसके कारण भी उसका जो एनर्जी होता है वो वेस्ट होता है. आयरन का लॉस होते रहता है, कॉपर में भी है उसका भी लॉस होते रहता है. जो एक्स्ट्रा लोडेड हम उसमें जो करंट सर्किट डालते हैं तो उसके कारण वहाँ पे लॉसेस होते रहते हैं. तो 3-4 पॉइंट और एक्स्ट्रा उसके अंदर बढ़ा सकते हैं उसके कारण. मान के चलिए ये क्वेश्चन 2 बार पूछा है 2015 में. तो आपने जो एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम में जितना क्वेश्चन को ब्रीफली आंसर दीजिएगा अच्छे से उस हिसाब से मार्किंग मिलता है. सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में. 19 में लिखा हुआ है द इक्वेशन ऑफ AC इज I=20sin200πt. फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ पीक वैल्यू ऑफ RMS वैल्यू इन करेंट. I0 का वैल्यू 20 और यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ है वो 200π दिया हुआ. सो इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो क्या होता है? I=I0sin ωt. ये AC सर्किट में हम लोग यूज करते हैं. तो यहाँ पे पीक EMF का वैल्यू, पीक जो वैल्यू है करंट का वो दिया हुआ है, ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ है. तो हमको क्या बोल रहा है यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी निकालने. तो फिर ओमेगा की इक्वल टू क्या होता है? 2πf, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ f यूज किए हैं. इसलिए यूज किए हैं क्योंकि यहाँ पे फुल जब वहाँ पे साइकिल कंप्लीट करता है इसलिए हम ओमेगा. तो ये एक इस फॉर्मूला पर अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो फ्रीक्वेंसी आएगा 2πf इक्वल टू कितना दिया हुआ है ओमेगा का वैल्यू? 200. यहाँ 200π, पाई से पाई कट जाएगा तो 2 से कटेगा, ये आएगा 100. तो फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू आया वो क्या आया? 100 Hz. सो 100 Hz निकालेंगे, वो लिखेंगे हम क्या? I0/√2. I0 का वैल्यू कितना दिया है? 20/√2. इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा? 20/√2 × √2/√2. यहाँ से काटिएगा तो यह आएगा 10/√2 आ रहा है. जो IRMS का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 10√2 के बराबर. तो 10√2 का वैल्यू क्या होता है? 1.414 के बराबर. इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आता है 14.14 एम्पियर के बराबर. इतना आपका आंसर होगा. सो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में. क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ इंड्यूस करंट एट एनी इंस्टेंट इन LCR सर्किट व्हेन XL इज ग्रेटर देन XC. यहाँ पे क्या हो रहा है? XL जो है इंडक्टिव रिएक्टेंस वो क्या है? ज़्यादा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस से. तो यहाँ इक्वेशन बताना है इंड्यूस करेंट का. हम बताएंगे इक्वेशन, उसमें उसका क्या होता है? I=E/√R² + ωL-1/ωC² यहाँ पे ओमेगा एल जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? वो है एंगुलर रिएक्टेंस. एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो हम निकालते हैं उसमें एंगुलर रिएक्टेंस है, एंगुलर कैपेसिटेंस है. ये आर दिया हुआ है वो है रेसिस्टेंस इन सर्किट, और ई जो है वो है सारा जो है इस सर्किट के अंदर जितना भी EMF होगा. ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है. यहाँ पे लिखा है नेम द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर. ट्रांसफार्मर का जो डिफिशियंसी होता है उसको डिक्रीज करता है फ्लक्स लीकेज, रेसिस्टेंस इन वाइंडिंग, एडी करेंट, हेसिस लूप, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं. उसके अंदर जो ह्यूमिंग साउंड आता है उसके कारण भी होता है, कॉपर लॉस होता है, आयरन लॉस होता है, ये सब चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं. तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 22 है, डिफाइन द मीन वैल्यू ऑफ रूट
मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर बता। मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एसी में हम जो देखते हैं उसको वो क्या होता है, मीन वैल्यू निकालने के लिए हम हाफ साइकिल का यूज करते हैं, और जो रूट मीन वैल्यू निकालते हैं उसमें क्या होता है, एक फुल साइकिल का हम लोग यूज करते हैं। सो यहाँ पे डिफरेंस आप यही दे सकते हैं कि मीन वैल्यू में होता है, हाफ साइकिल होता है, और वो क्या होता है, एक इंस्टेंट टाइम में होता है, उसका कोई टाइम नहीं होता, जो टाइम होता है उसी टाइम में, मतलब मान के चलिए 0.01 सेकंड में अगर एक हाफ साइकिल कंप्लीट हो रहा है तो उसी सेकंड में उसका जो मीन वैल्यू आएगा वही आएगा। और रूट मीन वैल्यू होता है, जो आरएमएस होता है, वो क्या होता है, एक कंप्लीट साइकिल के लिए होता है, एक कंप्लीट साइकिल जो कंप्लीट जब तक नहीं करेगा तब तक उसका रूट मीन वैल्यू नहीं आ सकता है कुछ। तो रूट मीन स्क्वायर में हम लोग निकालते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टू कॉन्सेप्ट। सो चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 जो बोल रहा है वो बोल रहा है व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर, व्हाट डू यू मीन बाय इट्स इफिशियंसी। ट्रांसफार्मर क्या होता है और उसका इफिशियंसी के ऊपर क्या क्या चीज़ में डिपेंड करता है। तो ट्रांसफार्मर होता है यूज़ हम लोग करते हैं इंक्रीज़ करने में, डिक्रीज़ करने में, वोल्टेज जो होता है उसको इंक्रीज़ डिक्रीज़ करने में हम लोग ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। और उसका इफिशियंसी होता है, वो होता है क्या, वो होता है 95% से लेके वेरी करता है वो 98.5% तक उसका वैल्यू आता है। सो जो ट्रांसफार्मर में आपको बोल देगा उसका एफिशिएंसी निकालने का, तो एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एन इक्वल टू पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट, और जो परसेंटेज अगर निकालने बोल दे तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 100 से। क्वेश्चन नंबर 24, डिफाइन द अल्टरनेटिंग करेंट इट्स पीक वैल्यू एंड इट्स आरएमएस वैल्यू, ड्राइव द रिलेशन बिटवीन आफ्टर क्वेटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ आरएमएस वैल्यू। यहाँ पे डेरिवेशन बताना है, रिलेशन बताना है, इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन ऑफ आरएमएस रूट मीन स्क्वायर के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्टरनेटिंग करंट में जो सारी चीज़ें आप जानते हैं वहाँ पे लिख सकते हैं कौन कौन सा फंक्शन वो यूज करता है, जो कि हम लोग यहाँ पे साइनोसॉइडल रूल भी यूज करते हैं जिसमें कॉस साइन का जो निकालने थे पावर फैक्टर के लिए, वही यहाँ पर जो दिया हुआ है पूरा आई नॉट कहाँ से पीक हो रहा है, आई नॉट माइनस आई नॉट दिया हुआ है, यहाँ से क्या हो रहा है, एक फुल साइकिल के लिए बताया गया है। ये ग्राफ जो है वो करंट और टाइम के बीच में है। आई होप यू अंडरस्टैंड द ऑल कॉन्सेप्ट। सो